प्रेमनगर अफोर्डेबल गेट के पास सरियों से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सत्तू उर्फ सत्यनारायण व महावीर शर्मा प्रेम ने अशोक जैन की हत्या की थी। वहीं जैन की पुत्री एक ऑफिस में काम करती थी। मृतक अशोक जैन द्वारा अपनी पुत्री को काम पर जाने से रोकने व पैसे को लेन देन को लेकर बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। प्रेमनगर अफोर्डेबल योजना निवासी अशोक जैन की 21 सितंबर को एमबीस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दोनों आरोपी करवा चौथ होने के चलते अपने घर आए थे। इसी दौरान पुलिस की टीम ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सितंबर को देर रात प्रेमनगर अफोर्डेबल गेट के पास कुछ आरोपियों ने अपराधियों ने दो घटनाएं कारित की थी, जिसमें एक महिला को गंभीर रूप से घायल किया था और एक पुरुष अशोक जैन को गंभीर मारपीट की थी, जिसकी जहर इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इसमें घटना में तीन जो आरोपी हैं, एक तो महावीर, महेश और सत्यनारायण, इन तीन को हमने नामजद किया था, जिसमें लगातार हमारी वृत्ताधिकारी पंचम उनके नेतृत्व में SHO जो उद्योग नगर उनकी टीम और स्पेशल जो टीम है पिछले एक महीने से लगातार प्रयासरत थी, चाहे वो कोटा ग्रामीण, बारा, झालावाड़, मध्य प्रदेश के विभिन्न शहर, वहाँ पर हमारी टीम से लगातार दबिश दी और इसका फलस्वरूप अभी हमने उनमें से तीन में से जो दो मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, सत्यनारायण और माही, ये दो अभी गिरफ्तार कर लिए हैं। जो बाकी शेष है महेश, वो शातिर अपराधी हैं, पहले भी जब एक बार फरार हुआ था बहुत प्रयासों के बाद उसे 2-2.5 साल बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हमारी टीम उसके लगातार पीछे है और शीघ्र ही उसे सफलता हासिल करने में हमें कुछ नहीं